हमने मैंने कहा था कि हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ ली है, अब रियल में किसी एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे हम, उसको डीपली स्टडी करेंगे कि वो क्या होता है। हमने उनके नाम भी थोड़े बहुत पढ़े थे कि डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से थे, उनमें से आपके पास क्या क्या थे। अरे एक डाटा स्ट्रक्चर होती है, लिंक्ड लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर होती है, स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, ग्राफ एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, ट्री भी एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसे चीज़ें हैं जो कि डाटा को स्टोर करवाने के लिए अपने अंदाज में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप अपना डाटा ऐसे स्टोर करवाएं। तो उनमें से हम किसी एक को, यानी आज स्टैक को देखने जा रहे हैं कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर हमारा डाटा कैसे स्टोर हो रहा होता है, या इसके अंदर हमारा डाटा अगर स्टोर हुआ पड़ा होता है तो हम उसको कैसे जाके रीड करते हैं, कैसे जाके देखते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैक इज अ नेम स्टैक एज इट्स बिहेव लाइक अ रियल वर्ल्ड स्टैक। स्टैक का नाम स्टैक इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हकीकत भी एक स्टैक की तरह ही आपको काम करके दिखाता है। फॉर एग्जांपल अ डेक ऑफ कार्ड्स और अ पाइल ऑफ प्लेट्स। अच्छा, स्टैक का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई सी भी चीज, मतलब जो कि एक खास ऐसी सीक्वेंस में स्टोर हुई पड़ी होगी, जो कि आपके पास अगर उसको आपने स्टोर तो करवा दिया, अब उसको रीड अप करना चाहते हैं तो एंड वाली साइड से रीड करोगे। सपोज मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक बैग है, ठीक है, स्कूल बैग है, उसके अंदर मैंने 7-8 बुक्स रख दी हैं। सबसे पहले एक बुक रखी, फिर उसके ऊपर एक बुक, फिर उसके ऊपर बुक, इसी तरह मैं बुक्स रखता गया और वो बैग भर गया सब। उसमें से अब मैंने कोई सी भी बुक निकालनी है तो सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ तो मैं नीचे नीचे वाली बुक निकालूँ तो वो मेरे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले मैं क्या है, ऊपर ऊपर वाली बुक हटाऊंगा, फिर उससे ऊपर वाली बुक हटाऊंगा, फिर ऊपर वाली, और एट द एंड मैं नीचे नीचे वाली बुक तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले मैंने कौन सी बुक निकाली है, जो मैंने सबसे आखिर पे रखी थी। या इसके अलावा मैं आपको एक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूँ कि आप लोगों के पास एक स्ट्रीट है, कोई गली है, वो बंद गली है, ठीक है, एक साइड से उसका एंट्री पॉइंट है, 5-7 घरों तक गुजरने के बाद जाके एंड पे वो खत्म हो जाती है, आगे वो मजीद कंटिन्यू नहीं रहती, बंद गली जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर उसमें मतलब है लोगों का भीड़ अंदर दाखिल होना शुरू हो जाए और उस गली में जाके 7-8, 10, 15, 20, 50 लोग खड़े हो जाए, वो गली भर जाए, तो उसके बाद अगर पहले पहले जो बंदा गया था, जो वो बिल्कुल एंड पे गया खड़ा है, अब उस बंदे को निकलना पड़ जाए तो मेरे ख्याल से वो बंदा नहीं निकल सकेगा, जब तक कि वो बंदे नहीं हटेंगे जो आखिर में आए हैं, जो बिल्कुल एंट्री पॉइंट के किनारे पे खड़े हैं, वो पहले निकलेगा, फिर वो निकलेगा, और एट द एंड आपके पास वो बंदा निकलेगा जो सबसे पहले एंटर हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत माइंड में एक कंसेप्ट आया है कि स्टैक क्या होता है। जिस तरह उसने ये आपको प्लेट्स रखी हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपको नीचे वाली प्लेट निकालनी पड़े ना तो ये मुश्किल होगा, पहले ये वाली हटाओगे, फिर ये हटाओगे, फिर ये हटाओगे, फिर ये, और फिर जाके इस पे पहुंचोगे। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो टेक्निक यूज होती है, उसको क्या कहते हैं, लिफो टेक्निक। लिफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे आखिर पे हमने रखी है ना उसको सबसे पहले अब हटाएंगे, जो आखिर पे आता है वो सबसे पहले जाता है। और एक रियल वर्ड आपको एग्जांपल दूं, आपके पास एक बिल जमा करवा रहे हैं आप बैंक में, एक लाइन लग जाती है, तो वहां पे जो बंदा सबसे आगे होता है सबसे पहले उसी के बिल जमा होते हैं ना, क्या ऐसा होता है कि सबसे एंड पे जो खड़ा हो उसका बिल पहले जमा हो जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो किस चीज़ की एग्जांपल है, वो एग्जांपल है आपके पास क्यू की। क्यू भी आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको कतार बोलते हैं। तो क्यू में क्या होता है, जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले जाता है, वो सबसे पहले फ्री हो जाता है। लेकिन स्टैक में ये है कि जो सबसे आखिर पे आता है वो सबसे पहले चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बंद गली वाली ही एग्जाम्पल है जिसमें आखिर पे जो बंदा एंटर हुआ था वो बंदा अब निकलेगा तो बाकी पीछे वाले बंदे निकल सकेंगे, नहीं तो वो नहीं निकल सकेंगे। इसी तरह बैग के अंदर बुक्स वाली एग्जांपल है कि जो आखिर पे आपने ऊपर ऊपर बुक रखी थी वो हटाओगे तो नीचे वाले निकल सकेंगे, नहीं तो नीचे वाली बुक्स नहीं निकल पाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैक की एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कुछ इसी तरह। ये ताश उसने रखे हुए हैं कि नीचे नीचे वाला निकालना है तो पहले ये हटेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी जो आखिर पे आया था ना, जो ऊपर ऊपर पड़ा है, पहले सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर पे आया है उसको पहले हटाना है हमें। अ रियल वर्ड स्टैक अलाउज द ऑपरेशन एट द वन एंड ओनली। इसमें एक साइड से ही काम हो रहा होता है। अब जो स्टैक के बारे में वो कह रहे हैं ना कि स्टैक को एंट्री पॉइंट ये है, यहाँ से आपने इसको रखा फिर इसी को ही हटाओगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस साइड से इंटर हुआ और इस साइड से नीचे वाला पहले पहले हटा लो, नहीं हो सकता।
बिल वाली जमा कराने वाली कतार लगी हुई है, तो उसमें क्या है आपके पास पीछे वाली साइड से लोग ऐड होना शुरू हो जाते हैं और आगे वाली साइड से आपके पास क्या है बंदे रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, जो बिल जमा करवा लेता है वो हटता जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है दोनों साइड्स काम कर रही हैं, एक साइड पे एंट्री हो रही होती है, दूसरी साइड पे एग्जिट हो रहा होता है। लेकिन इसमें स्टैक में क्या होता है एंट्री और एग्जिट यानी एक ही साइड से होती है, जहाँ से आप इंटर हुए एग्जिट भी वहीं से ही होना पड़ेगा। जो लास्ट पे आए वो पहले हटेगा तो नीचे वाले नहीं हट पाएंगे, लेकिन नीचे वालों के लिए कोई और रास्ता नहीं होता। ये है स्टैक आपके पास। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्लेस और रिमूव अ कार्ड और प्लेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक ओनली। जैसा कि अगर हम कार्ड्स की एग्जाम्पल ले लें या प्लेट्स की एग्जाम्पल ले लें, तो जो टॉप पे पड़ी है वो सबसे पहले उसको हटाना पड़ेगा। लाइकवाइज स्टैक एडीटी अलाउज ऑल द डेटा ऑपरेशन ऑन द वन एंड ओनली। और स्टैक में जितने भी काम होते हैं वो एक ही साइड पे हो रहे होते हैं, दूसरी साइड से कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। एट एनी गिवन टाइम वी कैन ओनली एक्सेस द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। और जिस भी वक्त जो भी हम काम करना चाहेंगे वो स्टैक के टॉप से करेंगे, जो टॉप पे जो एंड पे बंदा पड़ा हुआ है, जो एंड पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उसके ऊपर ही हमारा ऑपरेशन होगा कि अब उसको रिमूव कर दें, उसको ऐड करवा दें या उसको रीड कर लें। तो हमेशा जो भी काम होगा वो टॉप साइड से ही होगा आपके स्टैक के अंदर। दिस फीचर मेक्स इट लिफो डाटा स्ट्रक्चर। इसी वजह से हम इसको लिफो डाटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। लिफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आता है वो पहले जाता है। लिफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, हियर द एलिमेंट व्हिच इज प्लेस्ड आर इंसर्टेड आर एडेड लास्ट, जो सबसे पहले जो सबसे आखिर पे ऐड करवाया गया है इज एक्सेस फर्स्ट, उसको सबसे पहले हम रीड करेंगे, उसको सबसे पहले हम जांच सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। इन स्टैक टर्मिनोलॉजी इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पुश ऑपरेशन। अब स्टैक में अगर इंसर्शन करवा रहे होंगे तो उसको क्या कहेंगे कि हम पुश कर रहे हैं कोई चीज़, कोई चीज़ हम इंसर्ट करेंगे स्टैक के अंदर तो वो क्या कहलाएगा पुश ऑपरेशन, और कोई चीज़ अगर हम रिमूव करवा रहे होंगे तो उसको क्या कहेंगे पॉप ऑपरेशन। पुश और पॉप दो ऑपरेशन होते हैं स्टैक के। स्टैक में दो तरह के ऑपरेशन पाए जाते हैं, या तो कोई चीज़ हम उसमें ऐड करवाएंगे या हम अपने स्टैक में से कोई चीज़ हम निकाल लेंगे। तो जो ऐड करवाएंगे वो पुश ऑपरेशन कहलाता है, जो हम रिमूव करवा रहे होंगे तब वो क्या कहलाता है पॉप ऑपरेशन। ठीक है, अब उसने आप लोगों को यहाँ पे वो प्रैक्टिकल डायग्रामेटिकल एग्जांपल दी है कि आपके पास ये कोई सा स्टैक है, इसके अंदर आपने डेटा एलिमेंट रखे, पहले ये रखा फिर ये रखा फिर ये रखा फिर ये रखा फिर ये रखा, तो एंड पे जाके आपके पास ये एलिमेंट आया है। ठीक है, अब आपने उसमें से निकालने हैं, ये पुश करवा रहे हो आप, पहले पहले आपने पुश करवाया, ये रख दिया फिर ये रखा फिर ये रखा एंड पे ये रखा। ठीक है, अब आपने क्या करवानी है पॉपिंग करवानी है, रिमूव करवाना है डाटा, तो सबसे पहले इसको हटाओगे फिर ये हटेगा फिर ये हटेगा फिर ये, और एंड पे जाके ये बाहर निकल सकेगा क्योंकि इसी साइड से ही एंट्री हो रही है और इसी साइड से ही एग्जिट हो रही है, नीचे से कोई और आपके पास रास्ता अवेलेबल नहीं होता स्टैक में। स्टैक में एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या होता है एक ही साइड से होता है। डायग्राम से क्लियर हुई है बात असीम दानिश? यस सर। समझ आ रही है? अगर अभी तक क्वेश्चन है तो पूछो। सर आ रही है। गुड। बेसिक ऑपरेशन अभी हमने कौन से देखे हैं, पुश होता है और एक पॉप होता है। पुश का मतलब होता है इंसर्शन, पॉप का मतलब होता है डिलीशन। स्टैक ऑपरेशन में इन्वॉल्व इनिशियलाइजेशन द स्टैक यूजिंग इट इज अ डी इनिशियलाइजिंग इट, यानी इसमें आप अपने पास कोई सी भी चीज़ों को आप अवेल करते हुए आप अपना कोई सा भी काम प्रोसेस करवाएंगे। ठीक है, और इसमें फॉलोइंग टू प्राइमरी ऑपरेशन, बेसिक जो दो ऑपरेशन होते हैं वो कौन से होते हैं पुश और पॉप। पुशिंग यानी स्टोरिंग या एडिंग एन एलिमेंट ऑन द स्टैक। पॉप का क्या मतलब होता है रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, स्टैक में से कोई सा भी एलिमेंट रिमूव कर देना क्या कहलाता है पॉप कहलाता है। अच्छा, अब स्टैक की कुछ हालतें होती हैं कि स्टैक आपके पास कोई सा भी एक स्टैक है, सपोज कोई स्कूल का बैग है, कोई बंद गली है, कोई भी चीज़ है, कोई बॉक्स है चीज़ें रखने के लिए। ठीक है, तो उसकी तीन हालतें हो सकती हैं, या तो वो खाली पड़ा होगा या फुल भरा पड़ा होगा या आधा भरा पड़ा होगा या उसमें कोई और डाटा आ सकता है, ऐसी हो सकता है ना। कोई एक बॉक्स है, कोई एक बैग है या कोई एक गली है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो फुल होगा या फिर वो एम्प्टी होगा या फिर कुछ उसमें डाटा होगा कुछ नहीं होगा। तो ये तीन तरह की उसकी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो एक सिचुएशन का नाम है आपके पास पी, एक होता है इज फुल, एक होता है इज एम्प्टी। ठीक है, इज फुल का क्या मतलब है, चेक इफ द स्टैक इज फुल। इज फुल एक ऐसा ऑपरेशन है जो चेक करता है कि क्या आपका स्टैक फुल तो नहीं हुआ पड़ा। इज एम्प्टी, इज एम्प्टी का मतलब क्या होता है, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। ये ऑपरेशन क्या करता है, चेक करता है कि क्या हमारा जो स्टैक है वो खाली तो नहीं पड़ा। पी,
gets the top data element of the stack without removing it. ये data stack के अंदर पड़ा हुआ सबसे ऊपर वाले element को देखता है और उसको remove नहीं करता, just उसको देखता है कि वो कौन सा है, क्या इसके अलावा कोई और जगह बाकी है या नहीं है, ठीक है। तो P क्या करता है, P का आपको आपका वो वाला ऊपर वाला डाटा दिखाता है कि ये डाटा कौन सा और कहाँ पर पड़ा हुआ है, क्या मजीद कोई जगह है या जगह नहीं है। जाहिर बात है कोई ना कोई डाटा होगा तो तभी उसकी पीक चेक कर सकेंगे ना, खाली होगा तो डाटा ही नहीं होगा, फुल होगा तो हम उसको देखेंगे कि इसके अंदर मजीद कोई डाटा इंसर्ट हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी फुल हुआ पड़ा है। पीक का मतलब ये है कि उसमें जगह तो मौजूद है, लेकिन जो जगह मौजूद है उसके अलावा जो डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है उस डाटा में से आखिर पे या टॉप पे कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, और उस टॉप के बाद आपके पास मजीद रिमेनिंग कितने डाटा एलिमेंट स्टोर करवाए जा सकते हैं, कितनी जगह अभी बाकी है, ठीक है। अब इनके लिए उसने एल्गोरिदम भी बताया कि किस तरह एल्गोरिदम काम कर रहा होता है, पीक के लिए या फुल के लिए या एम्प्टी के लिए। एल्गोरिदम ऑफ द पीक फंक्शन, पीक के लिए एल्गोरिदम क्या होता है, बिगन प्रोसीजर पीक, ये एक स्टेटमेंट है कि आपके पास पीक का प्रोसीजर या पीक का एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है। रिटर्न स्टैक ऑफ टॉप, रिटर्न क्या करवाना है इसने, ये रिटर्न करवाना है स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक का टॉप एलिमेंट। पीक यही काम करता है ना, गेट्स द टॉप डेटा एलिमेंट ऑफ स्टैक, स्टैक का जो सबसे टॉप पे डाटा एलिमेंट पड़ा होता है उसको दिखाता है कौन पीक, तो ये इसीलिए कह रहा है रिटर्न स्टैक ऑफ टॉप, ये स्टैक के टॉप पे जो भी पड़ा होता है उसको रिटर्न करवा देता है, और एंड प्रोसीजर और आपका एल्गोरिदम खत्म हो जाता है। पीक वाला एल्गोरिदम कितना है, एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ, इसने क्या काम किया, आपको रिटर्न करवाया क्या चीज, स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक के टॉप पे क्या चीज पड़ी हुई है, और उसके बाद आपका पीक का जो एल्गोरिदम है वो खत्म हो गया। इसी तरह आपके पास फुल का भी एल्गोरिदम है और एम्प्टी का भी एल्गोरिदम है। आपके पास फुल का एल्गोरिदम कैसे होता है, बिगन प्रोसीजर इज फुल, इज फुल के लिए जो आपके पास प्रोसीजर या एल्गोरिदम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स साइज, क्या हो रहा है, आपका जो टॉप है यानी आपके पास स्टैक के अंदर पड़ा हुआ जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो क्या है, वो मैक्सिमम साइज के, वस्सलाम। मेरी आवाज दानिश आप लोगों को आ रही है, यस सर आ रही है। ये गैलेक्सी J5 आप जो भी हैं, आपका नाम नहीं लिखा हुआ, इन दोनों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है, आप अपना वाईफाई है तो डाटा पे शिफ्ट करें, डाटा है तो वाईफाई पे शिफ्ट करें, शायद आपके नेटवर्क वीक होंगे जिस वजह से मेरी आवाज प्रॉपरली सही तरीके से नहीं पहुंच रही होगी आपके पास। तो फुल का एल्गोरिदम क्या कर रहा है, फुल का एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ, इफ की कंडीशन चेक हो रही है, क्या कंडीशन है, टॉप इक्वल टू मैक्स साइज, क्या जो टॉप है वो मैक्सिमम साइज के बराबर हुआ पड़ा है, यानी अगर एक स्टैक के अंदर 10 चीजें आ सकती हैं तो इसका मतलब है उसका मैक्सिमम साइज कितना है, 10 हुआ, अगर टॉप 10 पे पहुंचा पड़ा है तो इसका मतलब है रिटर्न ट्रू, तो मतलब क्या है, वाकई आपका स्टैक जो है वो फुल हो चुका है। एल्स रिटर्न फॉल्स, अगर आपके पास जो टॉप एलिमेंट है वो मैक्सिमम साइज यानी 10 के बराबर नहीं है, सपोज अभी टॉप 8 पे पड़ा है, मैक्सिमम साइज उसमें 10 चीजें आ सकती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एल्स रीड होगा फिर, और इसका मतलब क्या है, फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि वो फुल नहीं है। एंड इफ, और फिर वो आपके पास प्रोसीजर क्या है, एंड हो जाएगा। अब आपके पास क्या किया उसने, आपका जो टॉप एलिमेंट है उसकी कंडीशन चेक हो रही है मैक्सिमम साइज के ऊपर, अगर स्टैक का मैक्सिमम साइज 10 एलिमेंट का है तो 10 एलिमेंट के ऊपर कंडीशन चेक होगी। इफ टॉप लेस देन आर इक्वल टू मैक्स साइज, जो भी है 10 का है, टॉप अगर 10 होगा तो 10 के बराबर हो चुका है, तो उसका मतलब है ट्रू है, तो वो फुल हो चुका है। अगर टॉप अभी 5, 6, 7, 8 पर है और वो मैक्सिमम साइज के बराबर अभी तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, फॉल्स हो रही है उसकी बात, कौन सी बात फॉल्स हो रही है, फुल वाली बात फॉल्स हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो फिर फुल नहीं होगा। एल्गोरिथम समझ आ गई है फुल का, इसी तरह उसने एम्प्टी का भी इसी तरह ही लिखा हुआ है, बेगन प्रोसीजर ऑफ इज एम्प्टी इफ टॉप लेस देन 1, अगर आपके पास टॉप क्या है, लेस देन 1 है, टॉप की वैल्यू 1 से भी कम है, रिटर्न ट्रू, ट्रू आपको डिस्प्ले हो जाना चाहिए, नहीं तो फॉल्स डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी इसका मतलब क्या हुआ, टॉप लेस देन 1, लेस देन 1 क्या चीज होती है, जीरो होती है, और अगर आपके पास टॉप जीरो होगा तो इसका मतलब है वो एम्प्टी है, अगर टॉप जीरो ना हुआ तो इसका मतलब है कि वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है।
तो लेस देन वन का मतलब हुआ जीरो। अगर लेस देन वन नहीं होगा तो वो क्या मतलब होगा, वन होगा या टू होगा या थ्री होगा। जब टॉप वन टू थ्री कोई भी होगा तो फिर वो खाली तो ना हुआ ना वो डाटा स्ट्रक्चर, वो स्टैक। जिस स्टैक के अंदर अगर एक भी चीज पड़ी हुई है तो फिर वो खाली नहीं होगा। वो खाली कब होगा, जब उसके अंदर कोई भी चीज नहीं होगी। और टॉप एलिमेंट जो है वो वन से भी छोटा होगा, यानी वो टॉप एलिमेंट अगर जीरो पे है तो इसका मतलब है फिर वो खाली है, अदरवाइज वो खाली नहीं है। समझ आइए इन बातों की असीर? यस सर। अच्छा, अब वो समझा रहे पुश ऑपरेशन के बारे में कि पुश क्या होता है। पुश अभी हमने देखा है कि स्टैक के अंदर कोई चीज ऐड करवानी होती है, इंसर्ट करवानी होती है, तो उसके लिए हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ न्यू डाटा एलिमेंट ऑनटू अ स्टैक इज नोन एज पुश ऑपरेशन। स्टैक के अंदर कोई सा भी नया डाटा एलिमेंट ऐड करवाना क्या कहलाता है, पुशिंग कहलाता है। सबसे पहले पुश करवाने के लिए क्या स्टेप्स परफॉर्म होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा चेक इफ द स्टैक इज फुल। सबसे पहले चेक करो स्टैक फुल तो नहीं है। जारी बात है, अगर स्टैक फुल हुआ पड़ा होगा तो कोई और डाटा ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर स्टैक का साइज है 10 का और वो ऑलरेडी 10 के 10 उसके अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं और वो फुल हुआ पड़ा है, तो इसके अंदर और 11वां एलिमेंट तो नहीं आ सकेगा ना फिर। इसीलिए सबसे पहला स्टेप क्या किया उसने, चेक इफ द स्टैक इज फुल। सबसे पहले चेक करो कि स्टैक फुल तो नहीं हुआ पड़ा। स्टेप टू, इफ स्टैक इज फुल, अगर तो स्टैक फुल हुआ पड़ा है तब क्या हो जाए, प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट। तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दो और एग्जिट हो जाओ। जारी बात है, जब स्टैक फुल है तो उसके अंदर और इंसर्शन नहीं हो सकेगी, इंसर्शन इम्पॉसिबल होगी। इफ द स्टैक इज नॉट फुल, अगर तो स्टैक फुल नहीं है फिर क्या होगा, अब आपके पास इंसर्शन हो सकती है। अगर स्टैक फुल नहीं है, इसका मतलब फुल नहीं है, तो उसका मतलब है उसमें जगह मौजूद है। जगह मौजूद होगी तो उसके अंदर डाटा इंसर्ट हो सकेगा। इंक्रीमेंट द टॉप टू द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, अगर उसके अंदर 10 की स्पेस है और 7 तक डाटा एलिमेंट उसके अंदर पड़े हुए हैं और ऊपर 3 की जगह बाकी है, ठीक है, तो टॉप इस वक्त कहाँ पे होगा, 7 पे होगा, क्योंकि सबसे ऊपर कौन पड़ा हुआ है, 7वां एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो उसने क्या करवाया, अगर स्टैक फुल नहीं है तो इंक्रीमेंट कर दो, किस में इजाफा कर दो, टॉप में टू द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, टॉप के अंदर एक इजाफा करके उसको अगली खाली जगह पे ले जाओ। वो कह रहा है कि टॉप को अगली खाली जगह कौन सी होगी, 8वीं जगह, ठीक है, 8वीं स्पेस। तो हम टॉप को कहाँ पहुंचा देंगे, 8वीं खाली जगह पे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, ऐड द डाटा एलिमेंट टू द स्टैक लोकेशन वेयर टॉप इज पॉइंटिंग, और डाटा एलिमेंट ऐड करवा दो स्टैक के अंदर उस जगह पे जहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा है, टॉप मौजूद है इस वक्त। और टॉप इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, 8वीं पोजीशन पे, ठीक है, पहले 7वीं पे मौजूद था, हमने पहले उसको 8वीं पे ले गए हैं क्योंकि 7 एलिमेंट तो उसके अंदर पड़े हुए थे, टॉप 7 पे था, हमने टॉप को एक इजाफा करके 8 पे पहुंचाया जो कि खाली जगह थी। इंक्रीमेंट द टॉप टू द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, हमने जो अगली खाली जगह थी उस पे टॉप को पहुंचा के फिर क्या किया, हमने डाटा ऐड करवा दिया कहाँ पे, जहाँ पे हमारा टॉप है, और हमारा टॉप कहाँ पे था, अब 8वीं खाली जगह पे थी, और हमारा डाटा कहाँ पे ऐड हो जाएगा, 8वीं जगह पे, खाली जगह जो कि जहाँ पे टॉप पहुंचा खड़ा था, ठीक है। और स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, रिटर्न सक्सेस, यानी आपके पास आपका काम जो है इंसर्शन का वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। अब उसने एग्जांपल भी दिखाई है पुशिंग की। सबसे पहले क्या है, स्टैक है, उसके अंदर ये एलिमेंट पड़े हुए हैं ए बी सी डी, और टॉप कौन है इस वक्त, डी है, सबसे ऊपर कौन है, डी है। फिर आपने पुशिंग करवानी है किसकी, ई के लिए। ई के लिए पुशिंग करवाने के लिए आपको अपने टॉप को जहाँ डी से हटा के ऊपर ले जाना होगा जहाँ पे खाली जगह पड़ी है, और ये जगह खाली होगी, आपका टॉप जहाँ पे पहुंच गया खाली जगह पे। फिर जब टॉप जहाँ पे पहुंच गया तो फिर आप अपने डाटा को उस जगह पे जाके ऐड कर दोगे जहाँ पे आपका टॉप पहुंचा खड़ा होगा, और टॉप कहाँ पे पहुंचा खड़ा था, इसी जगह पे ही पहुंचा खड़ा था। तो ये आपके पास क्या है, डाटा एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसने नीचे एल्गोरिदम भी करके दिखाया आप लोगों को, एल्गोरिदम फॉर पुश ऑपरेशन, बिगन प्रोसीजर पुश स्टैक डाटा, यानी कि आप स्टैक के लिए डाटा एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, पुश करवाना है, उसके लिए ये प्रोसीजर लिख रहे हो। और उसके अंदर आप क्या क्या काम करोगे, इफ स्टैक इज फुल रिटर्न नल, अगर तो स्टैक फुल हुआ पड़ा है तो नल रिटर्न करवा दो या एग्जिट कर जाओ। जारी बात है, स्टैक फुल होगा तो उसके अंदर पुशिंग नहीं हो सकेगी और डाटा नहीं आ सकेगा। एंड इफ, अगर आपके पास स्टैक फुल नहीं हुआ पड़ा तो रिटर्न आपने क्या करवाना था, फुल था तो नल करवाना था, अगर फुल नहीं है तो क्या करवाना है,
ये क्या ये करवाना है, टॉप प्लस वन, टॉप में एक इजाफा कर देना है और उसको फिर जाके टॉप कह देना है, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, इसका ये मतलब है, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, टॉप में एक इजाफा करके यानी कि आपको एक अगली खाली जगह पे पहुंचा के फिर उसको कह देना कि अब हमारा टॉप ये है जो कि अब खाली जगह है, ठीक है। फिर क्या करवा देना है, डाटा को स्टोर करवा देना है कहाँ पे, स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक का टॉप जहाँ पे गया खड़ा है वहां पे आप जाके अपना डाटा ऐड करवा दो, और स्टैक का टॉप कहाँ पे गया खड़ा था, अगली खाली जगह पे, और अगली खाली जगह वो कौन सी भी हो सकती है, आठवीं भी हो सकती है, नौवीं भी हो सकती है, सातवीं भी हो सकती है, पहले अगर पांच डाटा पड़े हुए, पांच एलिमेंट पड़े हुए हैं तो अगली खाली जगह छठी होगी, अगर पहले नौ पड़े हुए तो अगली खाली जगह दसवीं होगी, ठीक है। तो आपने क्या करवाना है, सबसे पहले टॉप प्लस वन करके टॉप कह देना है कि हमारे टॉप में एक इजाफा हो गया और ये अब हमारा टॉप बन गया है, अगली जो भी जगह है, फिर डाटा को वहां पे जाके स्टोर करवाना है जो कि स्टैक का टॉप है। तो ये आपके लिए एल्गोरिथम है किसका, एडिंग करवाने के लिए या इंसर्शन करवाने के लिए। इसी तरह पॉप के बारे में भी वो समझाएगा, पॉप क्या होता है, पॉप के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि पॉप क्या होता है, वो डाटा को रिमूव करवाने के लिए यूज किया जाता है, डिलीशन के लिए यूज किया जाता है, बेसिक ऑपरेशन होता है स्टैक का। इसमें क्या काम हो रहा होता है, स्टेप वन चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि स्टैक खाली तो नहीं पड़ा, जाहिर बात है जब स्टैक खाली पड़ा होगा तो आपके पास उसमें से क्या डिलीट हो सकता है, जब पहले ही खाली है तो डिलीट कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और आपने क्या करवानी है, डिलीशन करवानी है, आपने क्या करवानी है, पॉपिंग करवानी है। तो पॉपिंग करवाने के लिए लाजमी है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट तो पड़ा हो ना जिसको आप डिलीट कर सको, तो जब वो खाली होगा तो डिलीशन नहीं हो सकेगी। इफ द स्टैक इज एम्प्टी प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट एग्जिट, ठीक है, अगर तो स्टैक खाली है तो एरर डिस्प्ले करवा दो, खत्म कर दो अपने प्रोग्राम को, खत्म कर दो अपने एल्गोरिथम को, कि जब हमारा स्टैक ही खाली है तो इसमें से कोई डिलीट क्या करेंगे हम, डिलीट कुछ नहीं हो सकता। स्टेप थ्री, इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई डाटा पड़ा हुआ है, तब क्या करें, एक्सेस द डाटा एलिमेंट एट विच टॉप इज पॉइंटिंग, तो उस डाटा पर पहुंच जाओ जो डाटा आपके पास क्या है इस वक्त टॉप है, वहां पे फिर क्या करो, वहां पे जाके डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाय वन, टॉप की वैल्यू में एक कमी कर दो और नीचे वाले एलिमेंट को कह दो कि ये हमारा टॉप है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रिटर्न सक्सेस हो गई, ये एक स्टैक है इसके अंदर ए बी सी डी ई पड़ा हुआ है, इस वक्त ई सबसे ऊपर है, ये टॉप है, उसने क्या कहा है, डिलीशन करने के लिए टॉप में एक कमी करके पिछले एलिमेंट को कह दो कि ये हमारा टॉप बन गया, टॉप यहाँ पे कर दो, टॉप कौन बन गया, डी, अब ये खत्म हो गया, जो हमारा स्टैक का टॉप होता है वही हमारा आखिरी एलिमेंट होता है, तो जब टॉप यहाँ पे है आखिरी एलिमेंट ये है तो इसका तो मतलब ही कोई नहीं है कि ये तो डेटा एलिमेंट स्टैक के अंदर फिर है ही नहीं, फिर ये जाके रिमूव हो जाएगा। फिर क्या होगा, टॉप जब ई से डी पे शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा स्टैक के अंदर टोटल आखिरी एलिमेंट ये है और जो ऊपर वाला एलिमेंट पड़ा था वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। डिलीशन करने के लिए क्या करना है, टॉप की वैल्यू में एक कमी करके उस टॉप वाले एलिमेंट से पिछले वाले एलिमेंट को कहना है कि ये हमारा अब टॉप ये होगा, और जब टॉप पीछे वापस आ जाए एक एलिमेंट तो आप ऊपर वाले एलिमेंट को हटा दो कि ये अब हमारे पास क्या हो गया, पॉप हो गया, ये हमारे पास डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसके लिए भी एल्गोरिथम लिखा होगा उसने, इफ स्टैक इज एम्प्टी रिटर्न नल, स्टैक अगर खाली है तो नल कर दो क्योंकि खाली में से कुछ डिलीट नहीं हो सकता, अगर आपके पास खाली नहीं है तो फिर क्या होगा, स्टैक ऑफ टॉप जो है वो आपका क्या है, डाटा है, स्टैक ऑफ टॉप को क्या कह दो, अपना डाटा मान लो कि मेरा जो स्टैक का टॉप है, यानी स्टैक का टॉप कौन है, ई, अब आपका ई क्या है, आपका डाटा है, फिर क्या करो, टॉप माइनस वन करके टॉप कह दो, टॉप में एक कमी करो, इसको कह दो कि ये हमारा टॉप है, अब कौन, डी, रिटर्न द डाटा, और फिर आपके पास अपना क्या कर दो, डाटा रिटर्न करवा दो, अब ये चीज आपको रिटर्न होगी कि अब आपके पास स्टैक में ये चीजें पड़ी हुई हैं, ए बी सी डी, यहाँ तक टॉप ये है, वो चीज खत्म हो गई, टॉप वहां से हट गया, ए बी सी डी, ये टॉप है, ये डाटा है, अब ये चीज है आपके पास, ये स्टैक है, ठीक है। इसी तरह उसने ये देखें, ई को हटा दिया था, टॉप को पीछे वापस लाया था, तो ये होता है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर डाटा को इस अरेंजमेंट में स्टोर करवाया जाता है कि डाटा एक ही साइड से इंटर हो सकता है और एक ही साइड से एग्जिट हो सकता है, ठीक है। उसके लिए एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट एक ही साइड से होता है और उसके अंदर बेसिक दो ऑपरेशन होते हैं, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या करता है, डाटा को इंसर्ट करवाता है, पॉप ऑपरेशन क्या करता है, डाटा को रिमूव करता है। स्टैक की एग्जाम्पल क्या है, ये स्टैक ही है, देख लें इसमें इसी साइड से इंसर्शन हो रही है, इसी साइड से डिलीशन होगी, अगले यहाँ से आपके पास कोई एग्जिट नहीं हो सकता,
इसी सेट से इंसर्ट होगा, इसी सेट से एग्जिट होगा। सबसे पहले ए आया था, फिर बी आया था, फिर सी आया था, फिर डी आया था। अब बाहर निकलना पड़े तो पहले डी निकलेगा, फिर सी, फिर बी, और फिर जाके ए निकल पाएगा। तो जो लास्ट पे आया था डी, वो फर्स्ट पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टैक होता है जी। अब पूछें क्या इशू है, कोई कुछ समझ ना आया हो इस टॉपिक में से। सर जी, ये स्टैक के बारे में दोबारा आप थोड़ा समझा दें जी। स्टैक के बारे में दोबारा बता दूं, पहले हमने बताया था कि हम ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं ये डाटा स्ट्रक्चर है। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा को स्टोर करवाने के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं, डिफरेंट तरीकेकार होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो उनमें से डाटा स्ट्रक्चर में से डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट है, इसी तरह स्टैक है, एरे है, आपके पास ट्री होता है, ग्राफ होता है, ये सारे क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, स्टैक को पढ़ा है। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डाटा इस अंदाज में स्टोर होता है कि आपका डाटा एक ही साइड से इंटर हो पाएगा और एक ही साइड से एग्जिट हो पाएगा। प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखते जाएं, ठीक है, चेयर्स ले लें, चेयर्स के ऊपर चेयर्स रखते 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 15 चेयर एक दूसरे के ऊपर रख लें, ठीक है, तो उसमें से सबसे नीचे वाली या दरम्यान वाली कोई चेयर निकालनी पड़ जाए तो क्या निकाल सकोगे, नहीं निकाल सकेंगे। जो सबसे आखिर पे रखी थी यानी टॉप पे रखी थी उसको पहले हटाएंगे, फिर उससे टॉप वाली जो बचेगी उसको हटा लेंगे, फिर बाकी वाली में से जो टॉप पे होगी उसको हटा लेंगे, फिर एट द एंड जाके हम नीचे वाली चेयर पे तब जाके पहुंचेंगे। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, जिसके अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजी या कौन सी टेक्निक यूज हो रही थी, उस टेक्निक का नाम क्या है, लिफो टेक्निक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट पे आता है सबसे पहले वही जाता है, जो सबसे एंड पे उसके अंदर एंटर होता है वही सबसे पहले ही एग्जिट होता है उसमें से, ठीक है। और जो आपके डाटा स्ट्रक्चर के स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक उसका पुश ऑपरेशन होता है और एक पॉप ऑपरेशन होता है। पुश ऑपरेशन किसके लिए यूज होता है, स्टैक के अंदर किसी डाटा एलिमेंट को ऐड करवाने के लिए, और पॉप ऑपरेशन किस चीज के लिए यूज होता है, स्टैक के अंदर में से किसी डाटा एलिमेंट को रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। तो ये स्टैक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन।